तो गाइस लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम गाड़ी लेके आए थे, उसके बाद में फिर मैंने आपको दिखाया था सब कुछ कि क्या क्या फीचर हैं गाड़ी में, सब कुछ दिखाया था मैंने आपको। बट गाइस अभी गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गया है, उसका जो गियर है वो लग नहीं रहा है। 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर तीनों जो है काम नहीं कर रहे। हाँ, तो उसी को अभी ठीक करने के लिए जाएंगे, फिर से जहाँ से लेके आए थे गाड़ी वहीं पे फिर से वापस जाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। चलो चलती चप्पल पहन के जाऊंगा यार, जूता में पैर ये हो जाता है। अभी सारी भैया ड्राइव करेंगे क्योंकि भैया को तो आता नहीं है, अभी एक ही दिन हुआ है गाड़ी आने को, तो सीख लेंगे भैया धीरे धीरे। बट अभी सारी भैया लेके जाएंगे। आगे 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 दो, आगे लो, अभी सीधा लो, पीछे पीछे आगे दो, आगे दो, आगे दो, आगे दो। चलो ये आगे बैठेंगे, मैं पीछे बैठूंगा। और अभी तक ये कुछ भी नहीं निकाला, वो ऐसा ही है, बाद में निकाल देंगे इसको। है हाँ, कितना फील लेंगे। गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही है, बाहर एसी ऑफ है, अभी ऑन। हाँ, एसी ऑन करो। एसी ऑन हो चुका है, ये देखो एसी ऑन है, अब सही लगेगा। भाई क्या प्रॉब्लम है, ये जो गियर है, ये जो गियर है ना, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर गिरती, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर गियर जो गिर गिरता ही नहीं, नहीं गिर रहा है तो उसको थोड़ा सा क्या होगा पता नहीं, ठीक करके अभी उसी लिए जा रहे हैं। ये रास्ते से पैदल जाके गाड़ी लेकर आए थे, याद है ना? हाँ, इसी रास्ते से हम गए थे, ये देखो गाइस पैदल पैदल गए थे। अभी गाड़ी आती है, सीट बेल्ट सीट बेल्ट लगाने बोल रही है, लगाओ। सीट बेल्ट लगा फिर क्यों बोल रही है, पता नहीं कहीं घुसा है नहीं। Please fasten driver seat belt. फिर से बोल रही है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट तो लगा है। सीट बेल्ट लगा है तो फिर क्यों बोल रहे हो? पागल हो गई क्या? सीट बेल्ट तो ऑलरेडी लगा है, मैंने नहीं लगाया इसलिए थोड़ी, इसलिए तो नहीं बोल रही। Please fasten driver seat belt. Please fasten driver seat belt. अबे लगाया तो है, पागल हो गई क्या? Driver seat belt. बंद कर। Please fasten driver seat belt. रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इधर कुछ है उसका अलाइनमेंट नहीं है, थोड़ा छोड़ दो। सीट बेल्ट लगा रहे हैं फिर भी बोल रही है सीट बेल्ट लगाओ। सेंसर काम नहीं करेगा, पता नहीं क्या है। अभी गाइस पता नहीं क्या हो गया था, बार बार बोल रहा था गाड़ी कि सीट बेल्ट लगाओ सीट बेल्ट लगाओ, जबकि हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो अभी फिर से हमने डोर वोर ओपन किया, फिर से लगाया तो हो गया। और गाइस अभी हम NH पे पहुंच चुके हैं और अभी एकदम मस्त चलेगा गाड़ी, स्मूथ। भैया और भैया अभी सनरूफ कर रहे, बंद कर दो भैया। नहीं नहीं रिकॉर्ड करो, मेरे भी डर लग रहा है, बंद करो सनरूफ बंद, बाद में ओपन करेंगे कभी। और ये देखो गाइस रिक्शा जा रहा है, कौन सा रिक्शा? रिक्शा को बोलते हैं ये, ऑटो को रिक्शा बोलते हैं ना? नहीं, ये हमारे तरह इसको भी रिक्शा बोलते हैं जो है ना, ये भी रिक्शा ही है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, यहीं से हम गाड़ी लेके गए थे, याद है ना आपको? तो चलो अभी अंदर जाएंगे गाड़ी लेके। उतरते हैं, ये देखो भाई साहब क्या ही एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का, पूरा साइड पिचक गया है, लेकिन जो ड्राइवर बैठा होगा उसको कुछ नहीं हुआ होगा, और तो सब ठीक ठाक है, बस ये यहाँ से पिचक गया है। गाइस अभी पता नहीं क्या देख रहे हैं, खोल लो तो अंदर से लगा गए ना, गाड़ी पुराना हो गया। नहीं पुराना हो गया, एक बार गए पुराना हो गया। भैया अभी चाय पी रहे हैं गाइस, अभी देख रहे हैं स्टार्ट करके गियर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। ओ यार, और डोर का अभी, ये जो डोर का इस बटन को दबाने से अनलॉक हो जा रहा है इसको, मतलब चाबी से लॉक कर रहे हैं तो लॉक हो जा रहा है, फिर इस बटन को दबा के खोलते तो खुल जाता है, तो उसी का देख रहे हैं अभी क्या करेंगे। गाइस ठीक हो गया, जो गियर नहीं लग रहा था खोल के ठीक कर दिया है, बढ़िया है। नहीं तो अगर गाड़ी अभी रख ले तो हम बस में जाना पड़ता हमको, कोई बात नहीं हो गया गाइस। चलो देखते हैं कि गियर कैसे लग रहा है। ये जो है 1 नंबर 3 नंबर
और पांच नंबर जो है गियर लगता था, गिरता था। अभी अभी जो नहीं, पहले नहीं लग रहा था, अभी जो सही करने के बाद में दो नंबर लग रहे हैं, सब लग रहा है, दो नंबर, चार नंबर, छह नंबर भी लग रहा है। चलो ठीक हो गया, फाइनली गाइस ठीक हो गया, नहीं तो अभी बस में जाना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता, लेकिन आपने ठीक किया है, थैंक यू। चलो बढ़िया है, जल्दी कर दिया, कितना 10 मिनट भी नहीं लगा है, हो गया। तो वैसे अब टेस्ट करके देखते हैं, सही तो हो गया है, अब थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं, क्या पता फिर से निकल जाए प्रॉब्लम। चलो गाइस ठीक हो गया है, सही चल रहा है गाड़ी, यहीं से घुमा ले, हाँ यहीं से घुमाओ। और एक दिक्कत क्या हो रहा है, रिमोट से जब हम गाड़ी को लॉक कर दे रहे हैं, यहाँ पर साइड में एक डोर के लॉक के पास में एक बटन है, उसको दबाने से गाड़ी अनलॉक हो जाता है अपने आप, तो वो प्रॉब्लम भी बताया था इनको, क्या पता ये भी कुछ खराब हो गया हो इसका, तो इसको ठीक करके ले जाएंगे। आए हैं तो यार इतना दूर आए हैं, यही प्रॉब्लम है इसका, कुछ खराब होगा इतना दूर आना पड़ेगा, हमारे उधर पास में भी है बट ज़्यादा कुछ खराब हुआ तो यहाँ आना पड़ेगा 50 किलोमीटर दूर। अब बस डोर का ये प्रॉब्लम बता देते हैं फिर चलते हैं, ये बटन को दबाने से अनलॉक हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है इससे अभी अनलॉक है, इसको मैंने लॉक कर दिया रिमोट से, चाबी से लॉक हो गया, और अभी चाबी पकड़ो, इससे नहीं खुलेगा तो हाथ से, इसको यहाँ से दबाने से ना ये फिर से अनलॉक हो जा रहा है, खुल जा रहा है, तो इसी का ठीक करके फिर निकल जाएंगे। गियर का तो हो गया, अब बस ये इसका करके बस निकलेंगे घर को। तो वैसे इसका कुछ नहीं हुआ, अभी इन्होंने बताया कि अगर रिमोट पास में रहेगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो ये अनलॉक नहीं होगा। अभी रिमोट पास में भैया के हाथ में इसलिए अनलॉक हो रहा है, लेकिन अगर रिमोट को वहाँ पे ले जाएं, थोड़ा दूर ले जाएंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाँ हमको लग रहा था कि प्रॉब्लम है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, ऐसे ही है। चलो गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ, हो गया सब काम कंप्लीट, तो गाइस सब काम हो गया, जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया, गियर का काम तो हो गया करीब 10-15 मिनट में, और इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इसका मतलब सेंसर सिस्टम है, हमको लग रहा था कि प्रॉब्लम है शायद बट ऐसा नहीं है। चलो हो गया सब काम पूरा, अभी हम जाएंगे जल्दी से पहुंच जाएंगे घर पे, फिर टू नाइट अपडेट बनाऊंगा मैं जाके। चलो हो गया काम खत्म, प्लीज फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट, फिर से बोल रही है, इस बार सही से बोला है, ठीक बोला है, नहीं लगाया तो इसलिए बोला, अभी जो बोली ना ये ठीक बोला, बट आते टाइम क्या हुआ था आपको तो पता ही है, सीट बेल्ट लगा रखा है फिर भी बोल रही है अब चुप हो गई, सनरूफ ओपन कर रहा है, बड़े मजा आए, हाई रोड में तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, नहीं हाई रोड में हवा लगी है कुछ नहीं होगा, मिनट हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा अंधेरा हो गया ना, शाम हो गया, हां अंधेरा भाई भाई है, शाम हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भाई, 4 बजे शाम हो जाता क्या, ठंडी का मौसम में ऐसे ही होता है, 4 बज रहा है और शाम हो गया, अंधेरा अंधेरा हो चुका है थोड़ा थोड़ा, संदूक बंद कर रहे भैया, बंद करो, हवा आ रहा है ना, फट 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 सब हवा घुस जा रहा था, नहीं वो तो ऊपर खुला जब था ग्लास जो है ना, संदूक जब खोला था तब सारी पे एकदम अभी फुल स्पीड में चला रहे हैं, रपचिक रापचिक चला रहे हैं, मतलब फुल स्पीड में चला रहे हैं, कितने में चल रहा है ओ भाई, 80-80 में चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, 130 करेंगे तभी दिखाना, यहाँ पर टोल गेट पे आ चुके हैं, हमको रोकेंगे क्या, हमको नहीं रोकेंगे, पैसा कटेगा छोड़ देंगे, कट पैसा उठा उठा, ये पैसा काट लिया, हाँ ये क्या फास्टैग में रिचार्ज करना पड़ता है ना, तो गाइस अभी मैंने वाइड एंगल में रिकॉर्ड करके देख रहा हूँ, मैं देखते हैं कैसा आ रहा है, हाँ जेब में था चिल्लर साथ वाले किलर, हम मैं भी नहीं कर सबसे अलग सबसे असली दसन ख्याल बर इमोर्टल।
गाइस देखो अभी मैंने एक चीज देखा यहाँ पर, देखो अभी फोन में कितना बज रहा है, 5:17 हो रहा है ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी में देखो कितना बजा, 4:40 मतलब यहाँ गाड़ी में ये क्या टाइम सेट नहीं है क्या? टाइम सेट नहीं है। व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, फोन सेटअप, सिस्टम सेटअप, ये रहा सेट टाइम। कितना बज रहा है भाई, कितना बज रहा है? 5:20 कर देता हूँ, 20 कर देता PM। फोन पे भी 5:20 भी हो जाएगा, 20 मिनट 19:20 हो जाएगा। चलो गाड़ी का टाइम सेट कर दिया मैंने, नहीं तो फिर हमें पता चलता कि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अभी इतना जल्दी कैसे शाम हो गया है। मुझे लगा सर ठंडी का मौसम इसलिए हो गया होगा, बट यहाँ पर तो 5:00 हम जब मैंने बोला था कितना बजा था भैया, कभी 4:00 था ना, 4:30 यहाँ पे 5:00 आधा घंटा शायद लेट है यार, 1 घंटा पता नहीं, आधा घंटा। तो गाइस अभी हम रुके हैं पानी पूरी खाने के लिए, भुट्टा लो, हम पानी पूरी खा के आते हैं। ये दोनों भुट्टा खा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं खाना है, मैं पानी पूरी खाऊंगा। अच्छा तो गाइस अभी पानी पूरी खा ली है, चलो अब चलते हैं, पूरा एंड अपडेट बनाना है भाई। कितना बजा भैया? 6:00 चलो जाएंगे। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, मैं जा रहा हूँ, टू नाइट अपडेट बनाऊंगा, अभी वीडियो बनाऊंगा। भैया अभी जाएंगे गाड़ी सीखने के लिए, थोड़ा गाड़ी चलाएंगे, मैं चलता हूँ भाई। चलो यार मैं जाता हूँ, टू नाइट अपडेट बनाऊंगा। अरे मैं इसको लेके आ गया, थोड़ा सा बच गया था रास्ते में, खाते खाते आ रहा था, लेके आ गया मैं इसको। रुको इसको कैसे बजाऊँ यार मैं, ये लो लाइट जलाऊँ, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है भाई, लाइट जलाओ, लाइट लाइट लाइट। अच्छा लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर से चल रहा है, दो लाइट है ना, ये दोनों लाइट इन्वर्टर से चलते हैं और बाकी सब लाइट से चलता है करंट से। तो चलो गाइस अब मैं टू नाइट अपडेट बनाता हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी मैंने टू नाइट अपडेट बना दिया है, अपलोड भी कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और भैया भी आ चुके हैं, भैया गाड़ी सीखने के लिए गए थे, थोड़ा चला रहे थे, बहुत चला के आ गए, अभी आए। और गाड़ी का जो गियर था वो खराब हो गया था, मतलब खराब नहीं हुआ था कुछ, उसमें पता नहीं थोड़ा सा उसका जो नंबर, वो तो है, 2 नंबर 4 नंबर गियर तो नहीं लग रहा था, वही उसी में मतलब कुछ हो गया था, तो उसको ठीक कर दिया, बहुत जल्दी ठीक कर दिया, कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस कुछ वायर वगैरह कुछ ऊपर नीचे कर दिया, हो गया ठीक। और तो बस गाइस यही था आज के इस व्लॉग में, जो कुछ था आपने देखा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ये हमारा न्यू चैनल है व्लॉग वाला, इसी पे जो है आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे इसी पे आने वाले हैं सारे व्लॉग, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।